हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपेन गोगोई, टेक्निकल एनालिस्ट ऑफ एलाइसब्लू। चलो आज थोड़ा हिंदी में बात कर लेता हूँ। थोड़ा हिंदी खराब है, फिर भी जितना हो सके मैं कोशिश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकता है आप, कल मैंने जिसे बताया था आपको, यहाँ पे एक ब्लैक क्रो पैटर्न फॉर्म हुआ है। यहाँ पे जो हम दो कैंडल को काउंट करेंगे, जैसे ये बुलिश कैंडल जो कल वीडियो में मैंने आपको बताया था, राइट। तो वहां से आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट ज्यादा थोड़ा गैप डाउन में ओपन हुआ है, राइट। चलो थोड़ा जूम करके देख लेता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बुलिश कैंडल था यहाँ पे, राइट। व्हाइट जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल, और नेक्स्ट डे आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट गैप डाउन यहाँ पे क्लोज हुआ था, राइट, हायर में। उसका बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे गैप डाउन में मार्केट ओपन हुआ और प्राइस क्लोज हुआ जो प्रीवियस लोअर पॉइंट और जो ओपन था उसका नीचे मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था, तो सेल लेना है तो यहाँ पे जो मार्केट ब्रेकआउट करेंगे, जैसे आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये लोअर पॉइंट था ना, यहाँ पे लोअर पॉइंट था, तो इसका नीचे मैंने आपको सेल करने के लिए बोला था। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकता है प्रीवियस वैकेंसी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर पॉइंट था, फिर से मार्केट नीचे आ गया, नेक्स्ट टेस्ट, राइट, थर्ड वैकेंसी, फिर से गया। तो जब मैंने दो पॉइंट को कनेक्ट किया यहां से और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें मिला, और एग्जैक्टली यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का नीचे हमें एक ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, जिसका साइन है मार्केट नीचे आने का। और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज ने 150 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया हुआ है, ऑल एक्सपोनेंशियल। रिमेम्बर मैंने जितना मूविंग एवरेज लिया हुआ है तो सब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड वाला जो है ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये 150। तो यहाँ से जब क्रॉस ओवर किया तो कन्फर्म किया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस बनाया, तो उसका बाद यहाँ से हमें सेल सिग्नल मिला यहाँ से। तो कल आप देख सकते हैं, तो आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, राइट, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे सेल किया तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको कुछ मिला होगा कल, राइट। तो अभी देखेंगे हम आज क्या कर सकते हैं, राइट। तो अगर आज आप आज के लिए देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक सपोर्टिंग रेंज मिला है, जहाँ पे अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है। तो थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत मैंने ऊपर ले लिया जो कल का जो हायर पॉइंट था, और यहाँ पे ये जो लोअर पॉइंट था इसका पास लेके जाता हूँ। और आप देख सकते हैं अगर इसको मैंने थोड़ा जूम करे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक सपोर्ट मिला, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो प्रीवियस मार्केट बिहेवियर, यहाँ पे एक सपोर्ट था, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली सपोर्ट बना के रखा हुआ है। तो हमें लगता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ पे 26,625 तक मार्केट आने का चांसेस है, राइट। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा सेल एंट्री करना चाहिए, और बाय के लिए मैं आपको बताऊं कि एक मिनट, तो आप देख सकते हैं पहले आप डेली में देखिए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या है, बाय और सेल सिग्नल हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रीवियस हायर पॉइंट था ना, राइट। तो अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट नहीं किया तब तक मैं बाय में नहीं जाना है, क्योंकि अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो बाय मुझे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये होता है काउंटर ट्रेडिंग, राइट। काउंटर ट्रेडिंग थोड़ा रिस्क होता है, तो काउंटर ट्रेडिंग के लिए तो मुझे अगर बाय जाना है तो अगर प्राइस ने 28,235 लेवल 28,235 लेवल को ब्रेकआउट किया तो मैं बाय में जाएंगे, राइट। तो इसका बीच में जो एरिया है मुझे ट्रेड नहीं करना है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर सोच रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट है, तो उसको मैं कैसे सोच सकता हूँ, राइट। यहाँ से आप देख सकते हैं तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट के आसपास, तो 600 पॉइंट में कैसे सोचूं, क्योंकि आप किसी को पता नहीं चलता मार्केट कहाँ जाना है, इसीलिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए। तो अगर यहाँ पे एक मिनट आपको दिखा दूं, अगर हम इस पोर्शन में बाय में अगर घुस जाए तो मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड
जब डाउन ट्रेंड मार्केट चलता रहता है तो हाई प्रोबेबिलिटी ज्यादा डाउन ही जाना है, और इसका एक बात यह सिप गेट सिपर लोग एंड लोअर, राइट। तो जितना आता है नीचे आता ही रहता है, तो इसलिए हमें रिवर्सल कॉन्फर्मेशन मिलना चाहिए, रिवर्सल कॉन्फर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे अगर ये मार्केट ब्रेकआउट करके इसे ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया तो एक कॉन्फर्मेशन मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राइट, ये शोल्डर होगा, ये राइट शोल्डर और ये हेड होगा। तो ये कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद हमें कॉन्फर्म होगा कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया और हमें बाय में जाना चाहिए, राइट। अभी तक हमें ये बाय में जाने का कॉन्फर्मेशन मिला नहीं, थोड़ा आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट का लिए आप जा सकता है, फिर भी वो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है, राइट। तो इसलिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए, जैसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के लिए उसको ब्रेकआउट करना चाहिए। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मार्केट आज ऊपर क्लोज हो गया, सपोज लेट मी एक्सप्लेन, थोड़ा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मार्केट ऐसा कुछ क्लोज हो गया तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इसको बोलता है वन व्हाइट शोल्डर, राइट। वन व्हाइट शोल्डर जिसे मैंने बताया था आपको ब्लैक क्रॉस शोल्डर, उसका ऑपोजिट होता है, मतलब ये बियरिश कैंडल, राइट, ये क्लोज है, ये ओपन है, प्रीवियसली मार्केट ये नीचे जिसे इसे आ रहा था, तो बाद में नेक्स्ट डे अगर यहाँ पे ओपन, ये ओपन है, देखा गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गया और ये यहाँ पे क्लोज हुआ, और ये जो पैटर्न होता है इसको बोलता है वन व्हाइट शोल्डर, राइट। तो अगर आज मार्केट ऊपर क्लोज हो गया तो इसका मतलब ये वन व्हाइट शोल्डर, और इसका कॉन्फर्मेशन क्या रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम तब बाय जाएंगे, राइट, तब हम बाय जाएंगे। तो अभी क्या हम सेल में जा सकते हैं, तो ठीक है हम सेल के लिए जाएंगे। तो अभी देख सकते हैं आपको मार्केट जो हमें रेजिस्टेंस मिला था, तो रेजिस्टेंस का नीचे में मार्केट चल रहा है, तो इसका मतलब अगर इसका नीचे हमें कोई सेल सिग्नल मिले तो हम सेल में जा सकते हैं, राइट, क्योंकि इसने ऑलरेडी ये जो सपोर्ट था इसको ब्रेकआउट किया, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दो हमें एंट्री पॉइंट मिला हुआ है, एक इसका नीचे हमें एक सेल सिग्नल चाहिए और इसको, और नहीं तो दूसरा ये जो कल का लोअर पॉइंट था उसको ब्रेकआउट होना चाहिए, और जब ब्रेकआउट होगा मार्केट तो वहां पे हम सेल में जाएंगे, ठीक है। तो हमें मिल गया अभी एंट्री पॉइंट, एक एंट्री पॉइंट मिला 28,300, तो जो बाय में जाना चाहिए, तो हमें लगता है आज इतना नहीं जा सकता, तो हम देखेंगे और सेल के लिए, और ये लोअर पॉइंट में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी जाता है हम 15 मिनट में, अभी देखता हूँ 15 मिनट में, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट में ये हमें लोअर पॉइंट मिला, और ये मार्केट अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे में ही चल रहा है, और 200 मुझे लगता है क्या है मार्केट क्या होता है, यहाँ से जाके फिर से यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, तो इसलिए आपको बाय लेना है, मुझे इसका ऊपर बाय नहीं लेना है, क्योंकि ये पॉइंट मुझे छोड़ना है, क्योंकि ट्रेंड अभी लार्ज टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, राइट। तो बाय लेना है तो इसका ऊपर ही लेंगे मैं, राइट। और सेल यहाँ पे मुझे कैंडल स्टिक पैटर्न मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई भी कैंडल स्टिक, बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न मिले तो यहाँ पे हमें सेल जाएंगे, नहीं तो अगर प्राइस इसको ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से और भी हम सेल जा सकते हैं, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।